अपने जीवन में कभी ना कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होंगे। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आए कि हम जड़ को क्यों पानी देते हैं, कि उसकी पुष्पों को, उसके पत्ते को, उसके डालियों को कभी पानी नहीं देते, फिर भी उन तक पानी पहुंच ही जाता है। मतलब अगर हम जड़ को पानी दे रहे हैं तो उसके पौधे की अंग अंग तक पानी पहुंच ही जाते हैं, है ना। कुछ उसी प्रकार के होता है अपना कर्म। अगर निष्फल भाव से काम करोगे, सेवा करोगे, आत्मा की भीतर से काम करोगे तो सदा सलकेगा ही और दुगना लौट के भी आएगा। तो मन और आत्मा से काम करे, आनंद ही आनंद होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूं। आज जो आप वीडियो देखोगे बेसिकली प्रेस टूल के लिए है। प्रेस टूल में जो हम डीप ड्राइंग टूल बनाते हैं, जो हम काप होती है ना, उसकी जो हम शीट मेटल में टूल बनाते हैं, जो ये सब कैसे बनाओगे उसके बारे में जो है कंप्लीट टूल बनाने वाला हूँ। कंप्लीट टूल ही नहीं, इसकी मैं पूरा आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, क्या फॉर्मूला होती है, इसके बारे में बताऊंगा। सेकेंडरी ऑप्शन जो इन मेरा जो यहाँ पे आप देखोगे, इसकी स्प्रिंग कैसे कैलकुलेशन करती है, क्या लिमिट रखना है, टांग वगैरह कैसे लगानी है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं पार्ट दिखा देता हूँ। मेरा जो ये पार्ट है, इसकी थिकनेस है 0.5 का थिकनेस है, और ये जो शीट है SS में है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब भी डीप ड्राइंग टूल बनाते हो, इसकी हाइट हमेशा डी होती है ना, D/2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसको डीप ड्राइंग टूल बोलेंगे, ठीक है। सबसे ये पहला कंडीशन डीप ड्राइंग टूल में। अब दोस्तों आते हैं इसकी कैलकुलेशन में। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले आपको मैं इसकी साइज दिख लो एक बार, क्योंकि साइज आप याद कर लो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लगने वाला है अभी, ठीक है। तो इसकी जो साइज आती है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 60 mm हाइट है, 50 mm जो है, सॉरी 50 mm हाइट है, और 60 mm जो है इसकी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डाया होगा और 50 मेरा हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हम इसकी डीप ड्राइंग टूल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब डीप ड्राइंग टूल बनाते हैं इसकी, जैसे मैं आपको टूल में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक निकाल लिया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे 130 का ब्लैंक ले रहा हूँ, ठीक है। 65 × 2 कितना होगी, रेडियस में है 130। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को 130 कैसे मिला, मैं तो हवा में नहीं ले सकता हूँ, कुछ तो कैलकुलेशन होगा, कुछ तो फॉर्मूला होगा ना। मतलब जो भी डीप ड्राइंग टूल होती है उसकी ब्लैंक कैसे निकालती है, ये पहला क्वेश्चन आपको जब भी टूल मिले आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी टूल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी मैं वीडियो भी आपको साथ में शेयर कर दूंगा, तो बना हुआ ऑलरेडी है। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अपने हाइट पता लग गया आपको, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ चीजें समझनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा डीप ड्राइंग टूल है, ये मेरा होगी कप, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कप, ठीक है। और ये मेरा होगी ब्लैंक। ब्लैंक को हम किस में डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल डी में हम ब्लैंक को लिख रहे हैं। ब्लैंक मतलब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, जो 130 mm की मेरा आ रहा है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। और कप मतलब जो मैंने आपको पार्ट दिखाया वो मेरा होगी कप, ठीक है। तो डी होगी ब्लैंक, और जो स्मॉल डी है वो होगी आपकी बॉटम एरिया, जो हम लोग की बॉटम एरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ कप, डायमीटर का कप का डायमीटर। और एच होगी, स्मॉल एच होगी हाइट ऑफ द कप, ठीक है। अब ये जो काफ है, इसकी जब हम ब्लैंक तभी निकाल पाएंगे जिसकी हम एरिया निकाल ले पहले। अब देखो, अब हाइट का एरिया अलग है, जो काप की हाइट है ना उसकी एरिया अलग है, क्योंकि ये एरिया अलग आ गई, और जो ये बॉटम एरिया है इसकी एरिया अलग हो गई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट की एरिया निकालना पड़ेगा काप की, और इसकी बॉटम एरिया है उसको भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो मेरा देखो एरिया काप पे हो गया मेरा, एक तो बॉटम एरिया होगी ये वाली, और एक होगी हाइट। तो मैंने दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, बॉटम एरिया प्लस सिलेंडर एरिया, सिलेंडर मतलब हाइट वाली एरिया, ठीक है। अब जैसे बॉटम एरिया होती है ना, उसकी फॉर्मूला आते हैं पाई, पाई मतलब क्या होगी, ये वाली पाई, ठीक है, इसका 3.14 हेलु है। तो पाई बाई फोर जो मेरा बॉटम एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। बॉटम एरिया का क्या होगी, पाई बाई फोर डी स्क्वेयर, डी मतलब ये डी, डी का स्क्वेयर हो गया, ये हो गया अपना बॉटम एरिया का सर्कमफेरेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। और जो सिलेंडर है, इसकी हाइट है, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो सिलेंडर का जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला होते पाई डी एच, पाई मतलब 3.14 हो गई, डी मतलब आपकी ये वाली डी होगी, एच मतलब ये हो गई। तो सिलेंडर का ये आपका एरिया निकल गया। तो सिलेंडर के भी एरिया निकालना आपने, और बॉटम एरिया का भी आपने एरिया निकाल लिया। अब दोनों को जैसे हम प्लस कर देंगे तो इसकी अपना जो कफ है इसकी अपना एरिया निकल जाएगी, क्लियर।
तो दोनों को निकाल देंगे, क्या होगा पाई बाई फोर। देखो यहाँ पे पाई बाई फोर को मैं कॉमन लूंगा क्योंकि पाई पाई यहाँ कॉमन है, लेकिन वन बाई फोर को मैं क्या करूंगा एक साथ ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ से वन बाई फोर ले लूंगा, जैसे पाई बाई फोर यहाँ पे कॉमन होगी, डी स्क्वायर कॉमन होगी क्योंकि ये पाई बाई फोर यहाँ पे है, तो यहाँ पे फोर कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में आएंगे। फोर इसलिए है नीचे का जो वन बाई फोर है इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पाई डी इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना वन बाई फोर से, तो ये वो वन बाई फोर जो नीचे का फोर है ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये होगी इसकी फॉर्मूला। आप बेसिक्स तो मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, इसमें डीपली नहीं जाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी, देखो अब एक कंडीशन है, जो मेरा काफ का एरिया है और जो मेरा ब्लैंक का एरिया है दोनों इक्वल होगा, डेफिनेटली दोनों का इक्वल होगा। अब मेरे को डी निकालना है, तो डी में कैसे निकालूंगा, तो कोई एजम्पशन वगैरह कुछ लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो मैं मैथ्स की स्टूडेंट है उसको पता होगा, कोई तो अपना को एजम्पशन लेना पड़ेगा उसके थ्रू हम निकालेंगे। तो मैंने क्या एजम्पशन ले लिया, मेरा जो ये डी है ब्लैंक एरिया इज इक्वल टू कर्व एरिया। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वल ले लिया। अब जो मेरा ब्लैंक एरिया वो मेरा डी है, ठीक है, और कर्व एरिया मेरे को पता है। अब जो मेरा ब्लैंक एरिया निकालूंगा इसमें मेरा क्या फॉर्मूला आएगा, पाई बाई डी। ठीक है, पाई बाई ये पाई बाई फोर डी स्क्वायर, डी वाली फॉर्मूला है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, क्योंकि ये भी बॉटम एरिया है फ्लैट एरिया है, तो इसका हम क्या निकालेंगे पाई बाई फोर डी स्क्वायर निकालेंगे। और बाकी तो मेरा जो जैसे कप की एरिया है, जैसे इक्वल टू, देखो मैंने इसको कर दिया एरिया ऑफ ब्लैंक इक्वल टू एरिया ऑफ कप, एरिया ऑफ कप अपने को ऑलरेडी मिल रखा है एरिया ऑफ कप, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वन से मैंने ये डाल दिया। अब एरिया ऑफ ब्लैंक, एरिया ऑफ ब्लैंक मतलब फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा हूँ पाई बाई फोर डी स्क्वायर। अब ये पाई बाई फोर और ये पाई बाई फोर दोनों को मैंने कट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो यहाँ पे क्या रहेगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, ये वाली आ गई। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया डी मिल, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच। अब मेरे को जब ये रूट को हटा दूंगा मैं, तो इस होल एरिया में एक मेरा क्या आ जाएगा रूट आ जाएगी, स्क्वायर को हटा दूंगा तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगी, तो डी इज इक्वल टू क्या होगी डी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, ये होगी फॉर्मूला। ये याद रखनी है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। अब हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था मेरा डी कितना था, मेरा जो डायमीटर ऑफ कप था, ये मेरा जो कप की डायमीटर था वो 60 था, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा कितना था 60 था और हाइट 50 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, देखो हाइट 50 6 डी मेरा 60। तो यहाँ पे कैपिटल डी, कैपिटल डी कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से, जो मैंने एजम्पशन लिया था कि एरिया ऑफ ब्लैंक इज इक्वल टू एरिया ऑफ कफ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से एजम्पशन मिला, तो एजम्पशन मिला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच होल रूट। ठीक है, तो डी मेरा कितना था 60, तो 60 स्क्वायर, फोर कितना था 4 ही था, डी कितना था 60, एच कितना था 50, तो इसको मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दो, आप कैलकुलेटर निकाल लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने की बाद आपको रूट ऑफ 15600 मिल जाएगा, इसको अगर मैं रूट से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 124, मतलब डी निकल गया मेरा, डी मतलब ब्लैंक निकल गई, ब्लैंक कितना है 124.89। ठीक है, इसको मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा, FS लेना पड़ेगा, FS हम 5% लेते हैं, 5-6% आपको FS लेना पड़ेगा। FS 5% लूंगा ना तो कैसे लूंगा FS का, इसका एक फॉर्मूला होती है, चलो ये भी बता देता हूँ आपको, दिक्कत नहीं आएगी। देखो FS लेने के लिए क्या होगी, जैसे मेरा 124 है, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय कितना हुई 124 into 124 6.2, तो मैं इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या ले लूंगा 6 ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 130 mm। तो मैंने आपको अभी पता लग गई मैंने ये कहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से लिया 130 mm, लेंथ निकल गई, याद रहेगा, बढ़िया सा फॉर्मूला बता दिया आप लोग को। अब ये जो अभी मैं इसकी टूल बनाऊंगा, फिर आपको स्प्रिंग कैलकुलेशन समझाऊंगा, अब मैं इसकी सारा चीजें समझाऊंगा, वो यहाँ पे ऐसे मैंने टूल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये चलेगा फुल्ली ऑटो में, ये चलेगा फुल्ली ऑटो में, मतलब अब इसको बना के दिखाएंगे आपको। देखो एक बार मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार देखोगे, जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे फुल्ली ऑटो चलेगा, ये जो प्लेट है इसको ऑटोमेटिकली इजेक्ट करेगा, और बाकी ये जो आपकी देख रहे हो ये मेरा पंच है, ये मेरा डाई प्लेट है, ठीक है, ऊपर का बॉटम प्लेट वगैरह देख रहे हो, स्प्रिंग हो गई, तो इसी तरीके से इसका मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई किसी तरीके से, डीप ड्राइंग टूल की कैलकुलेशन कैसे निकालते, ये फॉर्मूला था,
इसी तरीके से हम इसकी टूल बनाएंगे, कंप्लीट टूल बना के मैं इसमें दिखाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो इसी तरीके से वीडियो वगैरह मैं बनाते रहता हूँ, कैलकुलेशन वगैरह से मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, और जैसे आप देख पा रहे हो इसकी मैं सारा कैलकुलेशन से सारा स्प्रिंग कैसे लगानी है, लेवल क्या है, इसमें लिमिट स्विच क्या डालना है, स्टॉपर कैसे करना है, इसकी पिलर सेट कितना स्टैंडर्ड की आती है, तो सारा चीज़ें मैं बनाता हूँ। ऊपर आप देख रहे हो संग देख रहे हो, उसके ऊपर बोल्टिंग है, इसके लिए किसके लिए इसको यूज़ करते हैं, तो हर एक चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह रहता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही एडवांस कॉन्टेंट्स है, इसमें हम हर एक चीज़ की डिटेलिंग करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे मेंशन ऑलरेडी नंबर है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में हम अलग अलग प्लेट बनाएंगे, कौन सी प्लेट को क्या बोलेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।